हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर नव भारती परिवार में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। रनिंग चैप्टर वॉज इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप और द फंडामेंटल ऑफ द पार्टनरशिप। ये चैप्टर अपना चल रहा था। लास्ट वीडियो के अंदर हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात करी, व्हाट आर द मेथड्स फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। साझेदार अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा या माल निकाल लेते हैं तो उसके ऊपर फर्म के द्वारा ब्याज लिया जाता है, उसको कैलकुलेट करने के लिए पहला मेथड जो अपन ने पढ़ा था वो प्रोडक्ट मेथड पढ़ा था, गुणनफल विधि से। गुणनफल विधि के अंदर असमान राशियाँ असमान अंतराल के ऊपर निकालते थे। आज का जो टॉपिक है वो है एवरेज पीरियड मेथड, औसत अवधि विधि। इस मेथड को कब यूज़ किया जाता है? व्हेन ए सर्टेन अमाउंट इज विदड्रॉन बाय द पार्टनर्स आफ्टर ए सर्टेन पीरियड, और इन द अदर वर्ड्स आई कैन से व्हेन द सिमिलर अमाउंट्स आर विदड्रॉन बाय द पार्टनर्स एट ए सिमिलर इंटरवल ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, ए एक पार्टनर है, 5,000 रुपये की ड्रॉइंग्स इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। ए हर महीने के शुरू में 5,000 रुपये लेता है, जैसे 1 जनवरी को, फिर 1 फरवरी को, फिर 1 मार्च को 5,000, फिर 1 अप्रैल को 4,000, इस तरह से ही 1 दिसंबर को 5,000। फॉर ए पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, आई एम एज्यूमिंग द कैलेंडर ईयर 2020, 2020 के अंदर मैंने कैलेंडर ईयर लिया है। देयर मे बी फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। यदि ये फाइनेंशियल ईयर होता तो ईयर कैसे मैं लिखता, 2020, 2021। फाइनेंशियल ईयर जोड़े में होगा, सिंगल नहीं होगा, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। 2020-21, 2021-22, इस तरह से मैंने यहाँ पर कैलेंडर ईयर लिया है। ए 5,000 रुपये हर महीने के शुरू में निकालता है, आरण करता है, तो इसका IOD कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले पीरियड कैलकुलेट करेंगे कि कितने समय का ब्याज लिया जाएगा। पीरियड किसके लिए? ए के लिए। पीरियड को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है टोटल पीरियड, टोटल पीरियड प्लस इंटरवल, प्लस इंटरवल। इंटरवल यानी कितने समय के अंतराल के बाद में वो राशि का आरण कर रहा है। टोटल पीरियड प्लस इंटरवल अपॉन 2। टोटल पीरियड कितना है? 12 मंथ्स, 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक। टोटल पीरियड के नीचे मैं कितना लिखूंगा, 12 मंथ्स प्लस इंटरवल कितना, 1 जनवरी के बाद 1 फरवरी, फिर 1 मार्च, फिर 1 अप्रैल, 1 मई, तो इंटरवल 1 महीने का है, तो प्लस इंटरवल 1 मंथ अपॉन 2 इज इक्वल टू 13 मंथ्स अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 6 2 5। 6.5 महीने के लिए इसकी ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। तो एक चीज का ध्यान रखना है, इस मेथड के अंदर सबसे पहले अपन पीरियड कैलकुलेट करेंगे, देन वी विल अप्लाई द फॉर्मूला। व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर द IOD? IOD इज इक्वल टू साल भर का कुल आहरण, टोटल ड्राइंग्स। फॉर्मूला क्या होगा? टोटल ड्रॉइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू टाइम अपॉन 12। ये वही फॉर्मूला है जो 7th-8th के अंदर अपन सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए करते थे।
यहाँ पर क्या था, प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट की जगह टोटल ड्रॉइंग्स आ गई, रेट अपॉन 100 एंड टाइम अपॉन 12 इज डिट्टो। 5,000 रुपये एक महीने की ड्रॉइंग्स करता है, 12 महीने के अंदर कितनी ड्रॉइंग्स करेगा, टोटल ड्रॉइंग्स 5,000 रुपये महीने की इंटू 12, 12×5=60,000 रुपये ये साल भर के अंदर ड्रॉइंग्स करेगा। रेट मैंने ली, ये जो रेट मैं ले रहा हूँ एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, सपोज 6% पर एनम, 6/100 इंटू टाइम हाउ मच, 6.5 मंथ, 6.5 महीने का ब्याज लगाएंगे तो 6.5/12। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे, इस पॉइंट के बाद में कितने अंक है, एक। जब मैं इस पॉइंट को हटाऊंगा तो इसकी जगह नीचे क्या आ जाएगा, 0। अब इसको काटेंगे, सिंगल 0 कैंसिल, डबल 0 कैंसिल, 6 2 जा 2 6 जा, बचा क्या, 5 × 6 × 65 = 6×5=30 × 0×35=15 आंसर। फर्म ए से इसकी ड्रॉइंग्स के ऊपर कितना इंटरेस्ट लेगी, फर्म ए से 1,950 रुपये का ब्याज वसूल करेगी, जो फर्म के लिए इनकम होगी और P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट के अंदर दिखाया जाएगा। विदाउट फॉर्मूला, इफ यू वांट टू कैलकुलेट दिस इंटरेस्ट विदाउट फॉर्मूला, आप देख सकते हैं टोटल ड्रॉइंग्स 5,000 × 12 महीने के अंदर कितनी ड्रॉइंग्स हुई, 60,000, 60,000 रुपये की इसने ड्रॉइंग्स करी। रेट क्या है, 5% पर एनम, 1% मैंने आप लोगों को बता रखा है, दो अंकों के बाद में पॉइंट लगा दे देंगे, 1% कितना हो गया, 600, तो 5% के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5×6=3,000 रुपये साल भर का इंटरेस्ट हो गया। दोबारा समझ लें, 12 महीने की टोटल ड्रॉइंग 60,000 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम, 1% 60,000 रुपये का कितना होगा, दो अंकों के बाद में पॉइंट लगा दिया, 1% 600 हो गया, 5% के लिए 5 से गुना कर दिया, 3,000 रुपये साल भर का ब्याज हो गया। हमको इंटरेस्ट कितने महीने के लिए कैलकुलेट करना है, 6.5 महीने का, तो 6.5 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए मल्टीप्लाइड बाई 6.5, रिमूव द पॉइंट अपॉन 10, सिंगल 0 कैंसिल, बचा क्या, 300×65। सॉरी कैलकुल स्टूडेंट्स, एक बार दोबारा देखेंगे, टोटल ड्रॉइंग्स कितनी 12 महीने की, 5,000 रुपये महीने के हिसाब से 60,000 रुपये, रेट 5% नहीं थी, कितना परसेंट थी, 6% पर एनम, रेट इज 6% पर एनम, 1% इज 600, 6% के लिए 6 से गुना कर देंगे, 6×6=36, साल भर का ब्याज कितना हुआ, 3600 रुपये, 12 महीने का ब्याज 3600 रुपये, इसलिए एक महीने का कैलकुलेट करने के लिए डिवाइडेड बाय 12, एक महीने का बटा 12 और 6.5 महीने का ब्याज, तो 6.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस पॉइंट को हटाऊंगा तो पॉइंट के नीचे 1 आ जाएगा, एक अंक आगे है, ये 0, 0 0 कैंसिल, 12 3 जा 12 3 36, 30 को 65 से मल्टीप्लाई करूंगा, 0 3×5=15 5 1×3=18 1 19। इस तरह से आप विदाउट फॉर्मूला भी कैलकुलेट कर सकते हैं और फॉर्मूले से भी वही आंसर आपका आएगा। सेकंड पार्टनर इज बी, ₹5,000 ड्रॉन बाय द पार्टनर एट द एंड ऑफ ईच मंथ। बी क्या करता है, हर महीने के एंड के अंदर 5,000 रुपये की ड्रॉइंग्स करता है।
ईयर कौन सा है, कैलेंडर ईयर 2020, 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर 2020 तक हर महीने के एंड में ड्राइंग्स करेगा। तो सबसे पहले ड्राइंग्स कब करेगा, 31 जनवरी को एंड में, फरवरी के एंड में, 28 फरवरी या 29 फरवरी, फिर इसके बाद में 31 मार्च को, फिर इसके बाद 30 अप्रैल को, और इसी तरह से दिसंबर के एंड में 31 दिसंबर को 5,000 रुपये निकालेगा। एंड के अंदर ध्यान देने वाली बात है, पिछले एग्जाम्पल के अंदर ए हर महीने के शुरू में ड्राइंग्स कर रहा था, बी हर महीने के एंड में ड्राइंग्स कर रहा है, तो पीरियड के लिए फॉर्मूले के अंदर थोड़ा सा चेंजेज होगा। सबसे पहले पीरियड कैलकुलेट करेंगे, टोटल पीरियड एज इट इज प्लस की जगह माइनस इंटरवल हो जाएगा, क्योंकि ड्राइंग्स क्या है, हर महीने के एंड में। अब अपन कैलकुलेट करेंगे टोटल पीरियड 12 मंथ्स माइनस इंटरवल, एक महीने का गैप है, माइनस इंटरवल 1/2 इज इक्वल टू 11/2, 5.5 मंथ, 5.5 महीने के लिए बी के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। अब क्या करेंगे, आईओडी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स ड्यूरिंग द पीरियड, टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू टाइम, कितने समय का ब्याज लगाना है, 5.5 महीने का, बटा 12, टोटल ड्राइंग्स कितनी होगी, 1 महीने के 5,000 रुपये, 12 महीने के अंदर कितनी ड्राइंग्स मल्टीप्लाइड बाय 12 इंटू रेट क्या थी, 6% पर एनम, 6/100 मल्टीप्लाइड बाय टाइम कितना था, 5.5 महीने, टाइम अपॉन 12। अब क्या काम करना है, पॉइंट हटाना है, पॉइंट के आगे एक अंक है तो 10 यहां अपन रख देंगे, 00 से 00 कैंसिल, 00 से 00 कैंसिल, 12 से 12 कट गया। अब क्या बचा, 5 × 6 × 55 30 मल्टीप्लाइड बाय 55 इज इक्वल टू 0 × 3 × 15 = 5 × 1 × 3 × 15 = 1, 1650 रुपये इसका आंसर आएगा। विदाउट फॉर्मूला कैलकुलेट करें, साल भर की ड्राइंग्स कितनी, 60,000 रुपये, 6% अपन को कैलकुलेट करना है, 6% पर एनम, 1% कितना हो गया, 600 मल्टीप्लाइड बाई 6, साल भर का ब्याज कितना हो गया, 3,600 रुपये, इसलिए 1 महीने का तो बटा 12 और 5.5 महीने का इंटरेस्ट यदि कैलकुलेट करेंगे तो मल्टीप्लाइड बाई 5.5 मंथ्स, पॉइंट हटाएंगे अपॉन 10 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 12 + 36 बचा क्या, 30 मल्टीप्लाइड बाई 55, 0 × 3 × 15 = 5 × 3 × 15 = 1, 1650 रुपये आंसर, विदाउट फॉर्मूला एंड विद फॉर्मूला। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, हमने देखा ए हर महीने के शुरू में ड्राइंग्स कर रहा था तो इंटरवल को ऐड कर दिया, बी हर महीने के एंड में इंटरवल कर रहा था तो इंटरवल को लेस कर दिया, सी भी 5,000 रुपये महीने के निकालता है लेकिन कब निकालता है, इन द मिडिल ऑफ ईच मंथ, हर महीने के मध्य में बीच के अंदर, जैसे जनवरी के अंदर वो जो ड्राइंग्स करेगा वो 14 या 15 जनवरी को, फिर फरवरी के अंदर 15 फरवरी को, यानी कि हर महीने के बीच में, और इसी तरह से लास्ट के अंदर दिसंबर के अंदर 15 दिसंबर को वो ड्राइंग्स करेगा, साल भर के अंदर 12 दफ़े वो ड्राइंग्स करेगा। तो सबसे पहले पीरियड कैलकुलेट करने के लिए इसके अंदर फॉर्मूला क्या होगा, पीरियड इज इक्वल टू टोटल पीरियड अपॉन 2, दैट्स ऑल, जो भी पीरियड है उसका हाफ कर देंगे। ये पीरियड किसी क्वेश्चन में 12 मंथ्स हो सकता है फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर 12 मंथ्स, फॉर द ईयर एंडिंग 6 मंथ्स भी हो सकता है, और फॉर द ईयर एंडिंग
9 मंथ्स भी हो सकता है। इसके क्वेश्चन कैसे होंगे, फॉर्मूले यही होंगे, लेकिन आप लोगों को इस टोटल पीरियड का ध्यान रखना है। तो पीरियड कैलकुलेट कैसे करेंगे, टोटल पीरियड कितना 12 मंथ्स, टोटल पीरियड 12 मंथ्स अपॉन 2। यदि मिडिल के अंदर ड्राइंग्स होती है तो इंटरवल का कोई रोल नहीं है, पीरियड को हाफ कर देंगे तो कितने टाइम का इंटरेस्ट लगेगा 6 मंथ्स। पीरियड कितना है 12 मंथ्स, तो इसका हाफ पीरियड हो जाएगा 6 मंथ्स। यदि ये पीरियड 6 मंथ्स होता तो हाफ पीरियड 3 मंथ्स हो जाता, और ये पीरियड यदि 9 मंथ्स का होता तो हाफ कितना हो जाता 4.5 मंथ्स। अब इंटरेस्ट के लिए वही फॉर्मूला लागू करेंगे, टोटल ड्रॉइंग्स, टोटल ड्रॉइंग्स 12 महीने के अंदर कितनी हुई 60,000 इंटू रेट कितनी थी 6% पर एनम, रेट अपॉन 100 इंटू टाइम कितना 6 मंथ्स अपॉन 12। सिंपल, 00 कैंसिल 6, 2 जा 2 3 जा 600 मल्टीप्लाइड बाय 3 1800, 1800 रुपये फर्म इससे ब्याज लेगी। अब विदाउट फॉर्मूला यदि मैं यहाँ पर करूँ तो 12 महीने की ड्राइंग्स कितनी हो गई 60,000 रुपये, 1% कितना हो गया 600 रुपये, 6% के लिए इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आया 3,600 रुपये। 3,600 रुपये इंटरेस्ट साल भर का है, 12 महीने का इंटरेस्ट 3,600, इसलिए 1/12, और इसलिए 6 महीने का कितना इंटरेस्ट होगा 6 2 जा 2 1 जा 1 2 8 जा 1800। आंसर आप चाहे फॉर्मूले से करें या विदाउट फॉर्मूला करें, आपका आंसर एक ही आएगा। स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर मैंने आपसे चर्चा करी व्हेन द पीरियड इज 12 मंथ्स, जो खाते बंद किए जाते हैं वो 12 महीने के बाद में बंद किए जाते हैं। यदि साझेदार हर महीने के शुरू में निकालता है, यदि साझेदार हर महीने के एंड में ड्राइंग्स करता है, और साझेदार हर महीने के मिडिल में, मध्य में, बीच में आरण करता है, तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे। इस वीडियो को मैं यहीं विराम देता हूं। अगले वीडियो के अंदर इस पीरियड को अपन 9 मंथ्स लेके देखेंगे और 6 मंथ्स लेके देखेंगे। इस वीडियो को आपने इंटरेस्ट लेके देखा, उसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक्स, धन्यवाद।